हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने पोको F1 पोर्ट का रिव्यू किया था मैक्स प्रो M1 के लिए, रोम कैसे इंस्टॉल करना था और उसका बहुत सारा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर किया था। मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी है, लाइक MiRoom 9.12.26 और भी कुछ पोर्टेड रोम है जो मियाँ से पोर्ट किया गया है मैक्स प्रो M1 के लिए, उनको भी ट्राई किया जाए और उससे भी कंपेयर करके आपको बताया जाए कि यार दोनों में से कौन सा रोम ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइस, आज मैं एक टेस्ट करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी MiRoom 9.12.26 इंस्टॉल कर लिया है। मैं आज कुछ ऐप्स ओपन करूँगा और फिर उसे रीलॉन्च करूँगा, आपको स्पीड एंड रैम मैनेजमेंट दोनों का आइडिया हो जाएगा कौन सा रोम ज़्यादा क्विक है। ऑलरेडी मैंने पोको F1 का स्पीड टेस्ट कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। बेंचमार्क की बात करूँ तो 138,810 स्कोर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, एंड ऐप्स, टोटल ऐप्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 9 ऐप्स मैंने ओपन किया था पोको F1 पोर्ट में। 2 मिनट 39 40 सेकंड्स के आसपास लग गया था और टोटल टाइम यानी ऐप्स ओपन एंड रीलॉन्च करने में 4 मिनट 5 सेकंड्स। गाइस, वैसे इस तरह का स्पीड टेस्ट मैंने कुछ दूसरे रोम्स के साथ भी किया है, लाइक पिक्सल एक्सपीरियंस, लीनियर जोएस, स्टॉक रोम, आयन ओएस के साथ भी। मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ, आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो। पिक्सल एक्सपीरियंस ने 2 मिनट 43 सेकंड लिया था इन 9 ऐप्स को ओपन करने में, लीन है जो इसने 2 मिनट 39 सेकंड्स, स्टॉक रोम ने 2 मिनट 34 सेकंड्स और सबसे क्विक रहा आयन ओएस, 2 मिनट 31 सेकंड्स लिया था इन 9 ऐप्स को ओपन करने में। MIUI ऑप्टिमाइजेशन जो है इसे डिसेबल कर देता हूँ, ओके, ऑलरेडी कर चुका हूँ। स्पेशल फीचर्स, गेम टर्बो, सारे ऐप्स को मैंने रिमूव कर दिया, ओके, एंड गेम टर्बो को डिसेबल कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ। पोको F1 का आपने देख लिया, MiRoom का भी आप देख लो, पोको F1 से थोड़ा सा लो है, ओके। एंड गाइज, मैं आपको बता दूँ, सेम वाईफाई नेटवर्क से मैंने कनेक्ट कर लिया मोबाइल को, यानी अपने जियो के हॉटस्पॉट से। ओके गाइस, तो 2 मिनट 46 सेकंड लगा। आयन ओएस से कंपेयर करूँ तो आयन ओएस ने 2 मिनट 31 सेकंड्स में ये सारे ऐप्स को ओपन कर दिया था। अगर मैं पोको F1 से कंपेयर करूँ तो पोको F1 ने, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, 2 मिनट 40 सेकंड्स के आसपास लिया था। अब रैम मैनेजमेंट, पाँच मिनट 38 सेकंड्स लगा टोटल टाइम 9 ऐप्स को ओपन और रीलॉन्च करने में। मैं आपको अब सारा हिस्ट्री सुना देता हूँ। पिक्सल एक्सपीरियंस ने लिया था 3 मिनट 54 सेकंड्स सारे ऐप्स को ओपन करने में, आयन ओएस ने लिया था 4 मिनट 58 सेकंड्स, यानी ये आयन ओएस से भी पीछे रह गया। एंड गाइस, स्टॉक रोम ने लिया था 3 मिनट 52 सेकंड्स और सबसे कम लिया था लीनियर जो इसने 3 मिनट 45 सेकंड्स में, यानी लगभग 2 मिनट पहले MiRoom 9.12.26 से। तो गाइस, ये रोम जो है MiRoom, अभी मैंने कल ही से इंस्टॉल किया, कल रात को, और जो मैंने अभी इनिशियली नोटिस किया है, फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस अनलॉक भी इस रोम में काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आप इस रोम का रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं 1-2 दिनों के अंदर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग इसका रिव्यू देखना चाहते हो या नहीं, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।